नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट द ऑफलाइन UPS और ऑनलाइन UPS, क्योंकि हमने इसके पहले की जो सीरीज बनाई है दो वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं कि हमें इन्वर्टर यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, क्या कैलकुलेशन हो सकती है, कौन सा इन्वर्टर हमें लेना चाहिए, कितने केवीए का लेना चाहिए, इस बारे में ऑलरेडी हमारे वीडियोस बन चुके हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ये जो ऑफलाइन यूपीएस या फिर इन्वर्टर्स होते हैं वो ऑनलाइन यूपीएस से कैसे डिफरेंट हैं। सो आज के पूरे इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझा पाऊंगा, आप समझ पाओगे कि हमें कौन सा यूपीएस लेना चाहिए। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैं आता हूं हर रविवार रात को 9 बजे इंस्टाग्राम लाइव पर, जहां पर मैं और आप हम आराम से बहुत अच्छे से बातें करते हैं और एक दूसरे का नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है भरत_KJN, जाइए वहां पर फॉलो करिए, मिलते हैं हर रविवार रात को 9 बजे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन यूपीएस के बारे में कि ऑफलाइन यूपीएस होते क्या है। आपने कंप्यूटर के साथ में अक्सर देखा होगा कि एक इस तरह का यूपीएस लगा होता है। जी हाँ, ये जो यूपीएस है वो बहुत ही छोटा सा यूपीएस है जो सिंगल एक हमें अगर कंप्यूटर चलाना हो उसके लिए इसको यूज में लिया जाता है। ये ऑफलाइन होता है और इसके अंदर एक बैटरी भी लगी होती है। और आज की तारीख में जितने भी इन्वर्टर आते हैं तो जो इन्वर्टर साइन वेव इन्वर्टर है, देखिए साइन वेव और स्क्वायर वेव दो टाइप के इन्वर्टर होते हैं। पुरानी जो टेक्नोलॉजी है वो स्क्वायर वेव की है। स्क्वायर वेव इन्वर्टर पे आपने ज्यादातर देखा होगा कुछ इस तरह से जो बना होता है, ये जो सिंबल है स्क्वायर वेव का सिंबल है। अगर इस तरह का सिंबल अगर आपके इन्वर्टर पे बना है तो वो आपका इन्वर्टर स्क्वायर वेव है, जो टेक्नोलॉजी अभी पुरानी हो चुकी है। अभी जो नई टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो इन्वर्टर आते हैं वो होते हैं साइन वेव। साइन वेव कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है, ये साइन वेव है। तो ये जो साइन वेव आएगा तो वो जो इन्वर्टर होते हैं उसके अंदर, ज्यादातर इन्वर्टर के अंदर इनबिल्ट यूपीएस होता है। यूपीएस का हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था कैसा था। अगर हमारे पास में यूपीएस वाला इन्वर्टर है या फिर ऑफलाइन यूपीएस है, एक तरह से इन्वर्टर को ऑफलाइन यूपीएस भी कहा जाता है। ये जो साइन वेव इन्वर्टर है उनको ऑफलाइन यूपीएस भी आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पावर आता है वो पहले हमारे यहाँ पे सर्ज सेपरेशन में जाता है, वहां से फिल्टर में जाता है और फिर आगे जाता है, और उसके साथ में जो दूसरा होता है उससे बैटरी चार्ज होती है। जैसे ही पावर कट होगा आपका बैटरी का जो यहां पर ट्रांसफर स्विच लगा हुआ है उस ट्रांसफर स्विच की वजह से सीधा विद इन माइक्रो सेकंड्स के अंदर आपका बैटरी पावर यूज होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर हमारे साथ में अगर हमने उसके ऊपर एक पीसीबी लगाया है तो वो पीसी रीस्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही माइक्रो सेकंड के अंदर वो पावर ट्रांसफर करता है। अब पीसी रीस्टार्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि पीसी के अंदर एक एसएमपीएस होता है, उसके अंदर कैपेसिटर होता है और कैपेसिटर की इतनी कैपेसिटी होती है कि वो जो माइक्रो सेकंड का जो पावर फ्लक्स हुआ है यानी कि जो कट ऑफ हुआ है तो वो खुद ही अपने में से जनरेट करके एक बार पीसी को दे देता है। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, अगर ये अगर इस तरह से ये अच्छे से अगर काम कर रहा है तो फिर हमें ऑनलाइन यूपीएस की जरूरत क्यों है, क्योंकि ऑनलाइन जो यूपीएस होते हैं वो बहुत ही महंगे आते हैं। ये जो हमारा इन्वर्टर है वो आपको पता है कि इन्वर्टर की कॉस्ट क्या होती है। ज्यादातर इन्वर्टर हमें 20,000 से 30,000 की रेंज में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, ज्यादा बैटरी वाले, अच्छी बैटरी बैकअप वाले इन्वर्टर मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम इसी तरह का पावर बैकअप और इसी तरह का केवीए वाला अगर आप ऑनलाइन यूपीएस लेने जाओगे मार्केट में तो वो बहुत महंगा आएगा, करीबन दुगुना या तिगुना इसकी रेट हो जाती है। तो हमें ऑनलाइन यूपीएस की जरूरत क्यों पड़ती है? तो हमारे ये जो ऑफलाइन यूपीएस होते हैं, ऑफलाइन यूपीएस के अंदर एक ड्रॉबैक है जिस वजह से ऑनलाइन में जाना पड़ता है। वो क्या है कि अगर हर एक जो ऑफलाइन यूपीएस होता है उसके ऊपर एक वोल्टेज का करंट लिखा होता है कि वो कितना मैक्सिमम पास कर सकता है और कितना मिनिमम करेगा, उसने अंदर एक वैल्यू सेट है कि 220 से लेके 240, अगर 240 से ऊपर आएगा तो कट ऑफ कर देगा और बैटरी का पावर यूज होने लग जाएगा। अगर 220 से कम आया तो भी क्या करेगा, बैटरी का पावर यूज होगा क्योंकि वो तो कट ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह के फिल्टर ऑफलाइन यूपीएस में लगे होते हैं। तो ऐसे एरियाज जहां पर पावर के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है वहां पर ये एक तरह से फेल हो जाएगा, क्योंकि वो जैसे ही पावर को कट ऑफ करेगा तो क्या होगा कि बैटरी का पावर यूज होगा और ये हमारे पास में ये जो बैटरी है वो धीरे धीरे जल्दी से फिनिश होती जाएगी। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक बन के सामने आता है, इस वजह से हमें ऑनलाइन यूपीएस की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये देखते हैं कि जो ऑफलाइन यूपीएस है और जो ऑनलाइन यूपीएस है वो कहां पर यूज होता है।
देखिए जो ऑफलाइन यूपीएस या इन्वर्टर जो होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारी ऑफिसेज के अंदर अगर सिंगल एक कंप्यूटर लगा है, दो कंप्यूटर लगा है, या फिर वहां पर आपको आपके जो अप्लायंसेज होम अप्लायंसेज जो होते हैं, आपको पंखा चालू रखना है, आपको ट्यूबलाइट्स चालू रखनी है, जो रेगुलर आपकी चीजें होती हैं उसके लिए इन्वर्टर लगाया जाता है, ऑफलाइन यूपीएस लगाया जाता है। वैसे ही आपके घर के लिए भी ऐसा ही होता है कि अगर आपको घर पे ऑपरेट करना है, घर पे जो टीवी होती है नॉर्मली, फ्रिज होते हैं आपके पास में, जो भी वहां पर फैंस हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, तो उसको ऑपरेट करने के लिए 99% इन्वर्टर का ही यूज किया जाता है। साइन वेव इन्वर्टर आपको ले लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट वहां पर काम करेगा, आपको कोई प्रॉब्लम वहां पर आने वाली नहीं है। लेकिन ऑनलाइन यूपीएस कहां पर लगाएंगे? ऑनलाइन यूपीएस एक ऐसा यूपीएस है जिसकी कॉस्ट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हम वहीं पर अपना पैसा डालेंगे जहां पर हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो बहुत महंगा हो या फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि आपके पास में आपका ऑफिस है और वहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, उसके साथ में सर्वर लगा हुआ है, तो वो सर्वर को चलाने के लिए ऑनलाइन यूपीएस की रिक्वायरमेंट आती है। तो ऑनलाइन यूपीएस को अगर हम समझें तो ऑनलाइन यूपीएस क्या करते हैं, यहां पर सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम की तरफ चलते हैं। मेन पावर जो हमारे पास में आता है वो पावर हमारा रेक्टिफायर में जाता है, रेक्टिफायर के अंदर एसी से डीसी में कन्वर्ट होता है, बैटरी चार्ज होती है, बैटरी से आउटपुट निकलता है और वो हमारा इन्वर्टर में जाता है और फिर लोड में जाता है, और यहाँ पर आपकी एक ऊपर की तरफ स्टेटिक बाईपास स्विच लगी होती है। तो इसमें होता यह है कि जो भी पावर आपके अप्लायंसेस को मिलेगा, जो भी डिवाइस आपका पावर कंजर्व करेगी, वो बैटरी के थ्रू ही जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट पावर जाएगा ही नहीं। यानी कि सबसे पहले बैटरी चार्ज होगी और बैटरी चार्ज के बाद में उस बैटरी में से जो पावर निकलेगा, जो डीसी निकलेगा, उसको इन्वर्टर जो होगा उसको एसी में कन्वर्ट करके आपके डिवाइस को देगा। तो ये जो प्रोसेस है उसके अंदर और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज होती है, बहुत सिंपल नहीं है ये, इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, बहुत सारे इसके अंदर डिवाइसेस यूज होते हैं और उस वजह से ये काफी महंगा होता है। अब इसके अंदर जो अगर बैटरी की बात करें तो जितना आप लोड दे रहे हो उसी हिसाब से ऑनलाइन यूपीएस के अंदर भी 1 kVA, 2 kVA और इससे भी बड़े बड़े यूपीएस आते हैं, और उसके साथ में आपको कितना पावर बैकअप चाहिए उस हिसाब से वहां पर सीरीज में बैटरीज लगाई जाती है। तो वो बैटरीज के थ्रू आप उसके अंदर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जो भी पावर आपको चाहिए, जो भी बैकअप आपको चाहिए, वो बैकअप आपको ऑनलाइन यूपीएस दे देता है। ये जो ऑनलाइन यूपीएस है ज़्यादातर आपको देखने मिल जाएंगे सर्वर्स जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर सर्वर रखे हुए थे वहाँ पर आपको ये ऑनलाइन यूपीएस देखने मिल जाएंगे, आपको ATM के अंदर ऑनलाइन यूपीएस देखने मिलेगा, आपको जो हॉस्पिटल्स हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं वहाँ पर आपको ऑनलाइन यूपीएस देखने मिलेंगे, सिटी स्कैन्स हैं, MRI सेंटर्स हैं वहाँ पर आपको ऑनलाइन यूपीएस देखने मिलेंगे, या फिर ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल के अंदर जहां पर जो डिवाइसेस काफी महंगी हैं, कुछ एम्ब्रॉयडरी वर्क्स हो रहे हैं जहां पर अगर वो एक हल्का सा भी माइक्रोसेकेंड का फ्लक्चुएशन आया तो पूरे के पूरे काम को बिगाड़ सकता है, वहां पर लाखों और करोड़ों का नुकसान हो सकता है, वैसी जगह पर ये जो ऑनलाइन यूपीएस होते हैं वो लगाए जाते हैं। तो ये जो हमारे कंप्यूटर के जो यूपीएस होते हैं उसके अंदर जो पावर का जो लिमिटेशन है वो क्लियर दिया है कि 220 से 240, क्योंकि कंप्यूटर का जो SMPS होता है और कंप्यूटर के जो डेटा होते हैं वो इसी तरह से वर्क करते हैं, तो वो ज़्यादा फ्लक्चुएशन को सहन नहीं कर पाता। लेकिन जो हम लोग घर पे इन्वर्टर लगाते हैं, जो UPS वाला इन्वर्टर लगाते हैं, तो उसके साथ में एक स्विच भी दी होती है कि क्या आपको इसका UPS मोड ऑन रखना है या नहीं रखना है। तो अगर आप ऑन रख दोगे अगर UPS का मोड, तो उसके अंदर जो रेंज दी होगी वो ज़्यादा रेंज दी होगी, 190 और 240 इस तरह से। तो घर के जो हमारे जो अप्लायंसेज होते हैं वो इजीली उसके ऊपर चल जाते हैं अगर पावर के अंदर फ्लक्चुएशन आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर फ्लक्चुएशन आता है तो फिर आपको UPS का जो स्विच है उसको ऑफ करना पड़ता है, वरना आपका कंटिन्यू बैटरी अगर ज़्यादा यूज होगी तो भी आपके लिए वो UPS आपका वो जो इन्वर्टर है वो ज़्यादा काम नहीं लगेगा आपको। एक और मेजर जो एडवांटेज हमारे सामने आता है कि जो ऑफलाइन UPS और ऑनलाइन UPS के अंदर, कि अगर आपने ऑनलाइन UPS लगाया है तो आपके जो डिवाइसेस हैं, आपकी जो SMPS हैं, आप उसके ऊपर जो भी चीजें लोड चला रहे हो उसकी जो लाइफ है ना वो बढ़ जाती है, और ऑफलाइन के अंदर बार बार कट ऑफ होने की वजह से घटती है। तो जो आपके कंप्यूटर का जो SMPS होगा अगर वो आप ऑफलाइन के ऊपर चला रहे हो तो 2 साल 3 साल के अंदर वो खराब हो जाता है, अगर उसी की जगह पर अगर आप ऑनलाइन के अंदर चलाओगे तो उसकी जो एज है वो 5 से 6 साल भी हो जाती है, इतना डिफरेंस आपको वहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो वीडियो है इसके अंदर बहुत सी चीज़ें क्लियर हैं हमारे पास में कि हमें ऑनलाइन UPS में कब जाना चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं बना रहा हूँ, इस वीडियो के थ्रू आप एक
ओपिनियन ले सकते हैं, एक जगह पहुंच सकते हैं कि आपको ऑफलाइन में जाना है या फिर ऑनलाइन में जाना है। अगर आपको आपने अगर डिसाइड किया कि आपको ऑनलाइन में जाना है तो फिर जिस वेंडर से आप करवा रहे हैं वहां से आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी और इन डेप्थ नॉलेज आपको मिल जाएगा। सो अगर आपको आज का हमारा ये जो वीडियो है वो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ में शेयर करिए। मैं बहुत मेहनत करता हूँ वीडियोज को बनाने में, एक अच्छा नॉलेज लेने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगती है, इसके बाद में मैं उसको ऐसी लैंग्वेज में ट्रांसफर करता हूँ जो मुझे भी इजीली समझ में आ जाए और आप लोगों को भी इजीली समझ में आ जाए। तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स को लेकर। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।